बहुत अच्छा लग रहा है। कल हम पहुंच जाएंगे सूरत। आज कुछ तैयारियां बची हुई हैं, वो तैयारी फाइनल करके कल सुबह की हमारी फ्लाइट है। तगड़ा आवाज है, कोको भाग के आया ऊपर से। दिखा एक बार, देखने दे देखने दे। ये देखना गाड़ी वाले को क्या कर रहा है, डांसिंग कार मिल गई आज हमें। ऐसे क्यों हिल रहा है गाड़ी? हम गए थे अंगूठी लेने के लिए, अभी किस काम की है बाद में बताएंगे। लड़का लड़की में कंफ्यूजन हो रही है। नो मेन बात, बाइक लेने जाना है, पेमेंट दे दो। पहले जाना है कितनी? नई बाइक हम बहुत टाइम बाद खरीद रहे हैं। पहली जो मैंने नई बाइक खरीदी थी ना, वो खरीदी थी GS से 1250। इसमें ना आत्मा आ जाती है। सुबह सुबह देखो क्या कर रहा है। नई एक्सरसाइज सीखी है हमने, ये हमें नहीं सिखाता भाई। देख गाना बंद हो गया ना, फोन आ गया। ये ये कौन सी एक्सरसाइज है? नई वाली बताना मेरे को भी, इसको भी सिखा दे, इसको भी तो पतला होना है। कैसी है ये? कैसी कर रहा हूं? इसके पेट पे खड़ा हो जाएगा, जिसको दर्द भी नहीं होएगा। मजाक नहीं कर रहा, इसमें है पावर है। छाती पे हो जा, छाती पे हो जा, छाती पे हो जा। नहीं होता इसको दर्द, नहीं होता, बहुत ताकत है इसके अंदर। हाँ मैं इसका हाथ पकड़ दूँ, छाती पे खड़ा हो। पागल खड़ा खड़ा तू सो जा बेटा, ये नींद में है भाई। दोबारा पकड़ लेगा इसको भाई। लो जी, टाइम हो चुका है 4:30 और ये हमारा ब्रेकफास्ट है या लंच, ये बता भाई पहले। ये ब्रंच है, ब्रंच है। ब्रेकफास्ट प्लस लंच साथ में। और ये देखो, ये भी बैठा हुआ है नीचे। ओए बिल्कुल शर्म नहीं है, जहाँ खाना वहाँ ये। अगर हम वहाँ बैठ के खा रहे होते तो ये वहाँ बैठा होता, यहाँ खा रहे तो यहाँ बैठा हुआ है। चलो एक ग्राई तो इसको देनी बनती है। पूरी रात ना सोने का नतीजा है ये। सोने का नहीं, मैं बाल सुखा रहा हूँ ऐसे। अच्छा कल बता कितने बजे सोया ये? आप बताओ, मैं नहीं बताया। चला कोई नहीं बताएगा, मैं तो बताता है, बोलता है फिर झूठ बोलता है कि तू। हाँ चल, अच्छा ऐसे ही बता दे, मजाक मजाक में कितने बजे सोया है, जेन्युइन वाला। इसमें शर्माने वाली बात थोड़ी है। हैं हैं, मेरे को पता है, वीडियो में टाइम है मेरे पास। अच्छा तू बता दे ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। तू बता रहा कितने बजे सोया? साढ़े चार बजे और अब इसको नींद आ रही है। नींद पूरी नहीं होती ना, पूरा दिन आला साला साला निकलता। मैं इसको ही कह दो टाइम से सो जाया कर, टाइम से सोगे ना एकदम फ्रेश। अब मेरे को देखो एकदम फ्रेश लग रहा है, इसको देखो एकदम फ्रेश लग रहा है, इसकी शक्ल देखो ऐसा लग रहा है चार पांच दिन से सोया ही नहीं है। असली गुरु हमारा कौन है जो जगा के रखता है? वो बोलता है मैं खुद जल्दी सोता हूँ। मेरे शक्ल से लग रहा है कि मैं रात को जाग रहा था, इसकी शक्ल से लग रहा है भाई। ये क्या बोलने जा रहा है ये? और गुरु कौन है तेरा पहले ही बता, मेरी तरफ इशारा कर रहा है। इसका गुरु तो फोन के अंदर है। ले ले, इसका गुरु कोई और है, आप नहीं बता है। ओए क्या हो रहा है ये, क्या हुआ? इतने दिन से भाई साहब घूमने नहीं जा रहे, आज इनको भी घूमने जाना हमारे साथ। फिर बस हो गया, पेंट फट जाएगी मेरी। चला आ जा, जा बाहर देख कौन है, तेरा दोस्त आया। देख कौन है बाहर, बाहर कौन है, देख कौन है। कहाँ गए कोको के दो? नहीं आ रहा बाहर, बाहर गर्मी है ना। चल ठीक है फिर अंदर ही रह। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज का सीन क्या है ना, पिछली वीडियो में हमने आपको बता ही दिया था कि हमारे घर आ रही है नई हायाबुसा 25th एनिवर्सरी एडिशन ऑरेंज कलर, जो कि कुछ लिमिटेड पीसीज यहाँ हैं इंडिया में, जिसमें से एक हमारे पास आ रही है। दिल्ली से कोशिश करती मैंने लेने की कि यहाँ से मेरे को डिलीवरी मिल जाए, लेकिन वेटिंग 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 चल रहा था, एडवांस भी नहीं पकड़ रहे थे। तो हमने वो बाइक उठाई है सूरत से, बहुत अच्छा लग रहा है।
कल हम पहुंच जाएंगे सूरत। आज कुछ तैयारियां बची हुई हैं, वो तैयारी फाइनल करके कल सुबह की हमारी फ्लाइट है, वहां जाएंगे और कल ही उसको अनबॉक्सिंग कर देंगे। 19 तारीख को हम लेंगे डिलीवरी। मेरे ख्याल से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन हमारी डिलीवरी होगी और दोपहर के 2-3 बजे ले लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, कुछ भी मिलने का सीन होगा, कुछ भी सीन होगा ना, वो अब सारा का सारा हम इंस्टाग्राम पे बताएंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी सीन फाइनल नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, धीरे धीरे फाइनल होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मोतीनगर जाने का काम निपटाने के लिए घर वालों से भी मिलना है, क्योंकि उसके बाद 4-5 दिन तक हम दिल्ली में होंगे नहीं, तो बहुत सारे काम है, निपटाते हुए वापसी आ जाएंगे। कोको देख कर, दोस्त बाहर खड़ा तो है, वो खड़ा हुआ अब आ गया, ये बाहर गर्मी है ना, बावे का सीधा अंदर। चलो चलो फिर चलो। कैसे गिरा लेकिन? पता नहीं मेरे को तो आग है, तगड़ा हुआ था, कोको भाग गया ऊपर से। लगा तो नहीं जा रहा, जरा लगा तो नहीं, देखा ही नहीं मेरे को, गिरते भी नहीं देखा मैंने तो। लाइट वाला जल गया, कहाँ लगा कहाँ लगा कहाँ लगा? हाँ देखा, एक बार देखने दे देखने दे। क्या है पता तो लगे, गिरा कैसे बोलेगा एक बारी? इसलिए कोको ही भागता हुआ आया। चल ठीक है साथ ना, शाम को मिलते हैं। चले तू कहाँ जा रहा है? चल ऊपर। मैं शूज पहन रहा था, समीरन पता नहीं क्या कर रहा था, पानी की बोतल उठा रहा था, धड़म धड़म की आवाज है, हमने देखा ही नहीं कैसे गिरा, मतलब बड़ी तेज गिरा ये। टकरा आवाज आया ना? बहुत गंदी लगी हुई, गंदी। अरे वो एकदम से जब लगती है ना गरम गरम, अभी आधा एक घंटा दर्द रहेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। भाई बाइक चलानी है उसके हिसाब से बताइए ठीक है कि नहीं है। ये वाला शोल्डर ना इसका सीढ़ियों पे लगा है, दूसरा भी हाथ ऊपर कर, करना तो पड़ेगा ही, नहीं ठीक तो डॉक्टर को दिखाएंगे ना। जा रहा ना ऊपर, वापसी नीचे चला 2-3 बार ऐसे कर, नहीं लग रही है लेकिन करना तो पड़ेगा ना, मसल को ऐसे मत छोड़। उधर वो भी पूछने आया हाल चल, क्या हुआ भाई को? ठीक है ठीक है भाई, टेंशन नहीं, हो जाता है। हाँ 2-3 बार कर, ऊपर नीचे ऐसे कर कर कर, ज़्यादा दर्द तो डॉक्टर को दिखाएंगे ना भाई। तो अभी जब ऊपर से नीचे उतर रहे थे ना, मतलब ऊपर बैठे हुए थे, तो आमिर कह रहा गाड़ी मैं चलाऊंगा, मतलब तू चला ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलाने लायक बचा नहीं है, मतलब पेन हो रही है अभी, ठीक है हाथ वाथ तो ऊपर जा रहा है इसका, भगवान को मंजूर नहीं था यार। हाँ गाड़ी चलाना ना, बाकी तो ठीक है भाई, हम डर गया था थोड़ा बहुत हम भाई, एकदम से गिरा ना, धड़म धड़म की आवाज आई। ये देखो ये भाई अभी पहले ही मिले थे, कितनी पुरानी फोटो है, होगी 1.5 महीने, नहीं नहीं 1.5 कहाँ, ये तो रैप हमने 3-4 महीने पहले तो रैप ही उतार दिया, ब्लू रैप है ना, 6 महीने हो गए होंगे मेरे ख्याल से, हो सकता है ना। मैं आपको मिला था लास्ट जुलाई में, मेरे को भी थोड़ा सा पर टाइम तो हो गया। नहीं नहीं अच्छा लगा मिल लो, गाड़ी का एक दोस्त कैसा लगा? बिल्कुल एक नंबर, बढ़िया है भाई, कह रहे मैं भी इग्निस पे लगवाऊंगा, सोच रहा हूँ। चलो ठीक है फिर मिलते हैं, ओके भाई जी, बाय बाय बाय, ब्लैक इसीलिए लिया, कुछ ना कुछ तो कराएंगे। हाँ पक्का पक्का पक्का, चलो ध्यान रखना, ओके जी। तो एक दोस्त हमने बंद करा हुआ था, भाई गेट के बाहर वेट कर रहे थे, ऐसा ना अच्छा लगता है, कह रहे हम आधा घंटा हो गया खड़े हुए, घर के वहां पर नहीं है क्योंकि हम मना करते हैं खुद ही, क्योंकि ऊपर नीचे ना कैमरे लगे हुए अच्छा नहीं लगता, तो आधे घंटे से भाई यहीं पर वेट कर रहे थे, तो एग्जॉस्ट ऑन करके दिखा कर भाई ये तो मजा आ गया, वीडियो में इतना बढ़िया साउंड नहीं आता जितना सामने से सुनने में आ रहा, तो मैं भी अपनी इग्निस पे लगवाऊंगा। यहाँ से चलेंगे, यहाँ से ओके नया वाला रूट जो कल ये भूल गया था, जिससे मैंने शर्ट जीती है, गत्ते लेके जा रहा, गत्ते गत्तों में ना अच्छी खासी कमाई होती है, पहले हमारे बिकते थे, पहले होती थी अच्छी खासी कमाई, लेकिन अभी तो ठीक है, अब पता नहीं होती है नहीं होती। हमारी दुकान पे भी जितने आते थे ना, रूह अफजाए गत्ते, मैगी की पेटियाँ, वो पेटियाँ हम खाली कर करके संभालते थे, संभालनी बड़ी मुश्किल होती है, अलग से एक कमरा चाहिए होता है उसको पूरा संभालने के लिए, फिर वो बाद में बिकते थे। पापा कहते थे कि दुकानदार वही है जो छोटी छोटी चीज़ों में ना अपनी अर्निंग ढूंढे, मतलब पैसे वेस्ट ना होने दे, लेकिन नुकसान भी बहुत होता है, चूहे बिस्किट के पैकेट काट गए, वापसी नहीं जा रहा, मतलब बहुत याद आती है अपनी वो वाली लाइफ की, और अच्छा है कि मेरे को याद आती है, वो मेरे दिमाग में है कि मैं वहाँ से निकला हूँ, पापा अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा टाइम और करेंगे पापा, उसके बाद पापा की भी छुट्टी, फिर हमारे साथ घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे देश विदेश, यार विदेश तो हम भी नहीं जा पा रहे, मौज लेंगे मौज लेंगे। एक प्लेन ये जा रहा है और एक वो आगे जा रहा है फोड़ के वहाँ पर, दो प्लेन साथ में हवा में, देखते देखते एक और प्लेन आ गया, लाइन में आते हैं यहाँ पर, लाइन में
देखना गाड़ी वाले को क्या कर रहा है, डांसिंग कार मिल गई आज हमें। ऐसे क्यों हिल रहा है गाड़ी? आ जाए क्यों? मैं भी मजे ले रहा होगा ना। देखिए कौन है, बंदे हैं बड़े सारे, लड़के लड़के हैं। भाई साहब कह रहे हैं आप अपनी बाइक दिखाते हो, हमारी बाइक देखो कहते हैं भाई। ठीक है बढ़िया। हाँ क्या लगा हुआ है? 80 प्रोजेक्ट लगा रखा है। ओ भाई साहब, पे खाली रोड पे हॉर्न मारते रहते ना बेवकूफ बंदे। भाई बढ़िया है, बढ़िया लग रही है बाइक, बढ़िया। आप अपनी बाइक दिखाओ। और भी बढ़िया लग रहे हैं। नहीं नहीं सही है, तुम्हारी बाइक है वो हमारी बाइक है ना, बढ़िया है। यहाँ पर आए थे ज्वेलर पे कुछ सामान लेने के लिए, ले लिया, घर जाके दिखा दो। चलो बाय बाय। अभी भी फोन पे बात कर रहा है, तुमने देखा? देख लो भाई, इन्होंने भी सबूत हो ना तुम लोग, वो फोन पे लगा रहता सारी जिंदगी। चलो बाय बाय। पता है वो बच्चे क्या कह रहे हैं बाहर मेरे को जो मिले, इन्होंने तो सुना ही है, कह रहे आमिर भाई अभी भी फोन पे लगे हुए हैं। मतलब भाई मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ अपने व्लॉग में, हम जान के उस टाइम थोड़ी व्लॉग बनाते हैं जब ये फोन पे बात कर रहा होता है, ये सारा टाइम ही कर रहा होता है। दिखाऊं क्या लेकर आऊं? हां दिखाओ। किस वाले ने बोला? किस वाले ने? ये सारे बच्चों ने। एक मिनट, क्या होता है क्या भाई, क्या फोन पे लगा रहता है? ले 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 अंगूठी लेने के लिए। अभी किस काम की है बाद में बताएंगे, लेकिन अंगूठी दिखा देते हैं। अंगूठी किस काम का होता है? वो व्यूअर्स है, बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। फिर नहीं दिखा रहा मैं, फिर ऐसे रख देता हूं अंदर पैक। चलो ये आगे गुरुद्वारा, आप जाएंगे अपने घर। एक छोटा सा काम हो रहा है, अपने को ना घड़ी के लिए बैंड चाहिए था, लेकिन आज शुक्रवार है और जो ये मेरा दोस्त है ना सुनियारा, मतलब इनकी भी शॉप बंद थी, इनको तो मैंने स्पेशल फोन करके बुला लिया था, ऑर्डर पहले दिया हुआ था। दोस्त को फोन किया कि घड़ी के बैंड दे दे, वो कह रहा यार मैं तो यहाँ पर हुई नहीं, अब बैंड कहाँ से लेंगे, वो देखते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़ करेंगे। पहने पहने शर्ट प्रेस हो जाएगा क्या? पीछे से मुचड़ गई है गाड़ी में बैठे बैठे, लगाने एक बारी प्रेस। कमर तो नहीं सड़ जाएगी? अच्छा फिर रहने दो, पीछे से मुचड़ गई है ना बैठे बैठे। पता है क्या कल का कमेंट आते हैं, थका थका क्यों रहता है? थोड़ा एनर्जी दिखा कर ना, जैसे ब्लॉग हो ऐसे ऐसे खड़ा हुआ था तू, अभी अभी खुद नहीं देखा तूने जो गिरा हुआ, तो उसी हिसाब से तो होगा, गिरा तो ऐसे हुआ, तो गिर गया था यार सीढ़ियों में धड़ करके नीचे। इतना भारी कैसे गिर गया? पैर फिसला, धड़म धड़म, चार पांच सीढ़ियां नीचे, छोटो पे लो। हमारा आधा सामान वहीं भूल गए थे हम। थैंक यू मेरे भाई, बाय 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 बाय। ये है सर्टिफिकेट, ये तो पूरा पैक ही आया। नहीं दर्द हो रहा है तो रुक जाइए, फिर मत जाइए। कम से कम 1500-2000 किलोमीटर बाइक चलानी मम्मी। नहीं लग रहा तो भाई, टेंशन टेंशन मत लो, जो तरफ गया बाइक की टेंशन ना ले, बाइक तेरी वापसी आ जाएगी, आराम कर तू, मैं और समीरा नहीं चले जाएंगे। हीरे का सर्टिफिकेट आया ये? अच्छा, अरे तेरा सर्टिफिकेट आया, तू हीरा है ना हमारा दोस्त, ये तेरा सर्टिफिकेट है भाई, तेरा सर्टिफिकेट बनवाया हमने, लिखा हुआ इस पे तजमुल आमिर। हाँ वो भी दो अच्छा है। केक खा लेंगे, वो टेस्टी है। कैसी है? मुझे लगा वो भी वो है, दोनों अलग अलग है। नहीं मुझे लगा वो लड़की की है। नहीं नहीं वो लड़के की है, एक लड़के की एक लड़की की है, दोनों ही लड़कियों की लग रही है। मम्मी अरे ऐसी रिवाज हो रहा है, एक बार देख लो यार, बेइज्जती कर रही है। मम्मी बना रही है आमिर के लिए ग्लूकोन डी, मम्मी कह रही है हमेशा सुस्त सुस्ता लगता है ना, अभी तेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। देख कम नहीं लग रही ना ये सुस्त सुस्ता, आंखें से देख इसकी, उधर हैं वो गिरा नहीं, वैसे ही ये सुस्त सुस्ता ही रहता है। ये गिरा हुआ बंदा तो नहीं है? नहीं वो वाला गाना है, मैं गिरा हुआ बंदा तोड़े नीच बोले। मैंने हम ये कह रहे ये गाना है ये तो मम्मी, मम्मी बर्फ क्यों डाल दी? ये ऐसी हल्की सी है। और इसका कलर ऐसा क्यों है? ऑरेंज है क्या ये? अरे ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी बर्फ के साथ, बर्फ निकाल दो, बर्फ निकाल दो। तन की शक्ति मन की शक्ति ग्लूकोन डी। क्या हो गया, पोटी आ रही है? ऐसी आवाज को निकाल रहा है जैसे जोर लगा रहा है। डिजाइन चल गया ऐसा, आप डिजाइन आ गया ना ऐसे, लड़का लड़की में कंफ्यूजन हो रही है। दोनों लड़कियां चेयर्स आमिर भाई,
चीयर्स। वो भी ये कैसे हुआ? देखा ये देखा देखा, अब आप बोलो हम इसको क्या बोलते हैं। ये देखो पहले मैं अपना तो खा ही रहा था, मेरी प्लेट में एक उठाया और एक गिरा भी दिया। देखो नहीं ये क्या था, बुखड़ी यार, और काट। इसका नाम है बुखड़ी। तो भाई मम्मी ने तो कह दिया आमिर को मत लेके जाओ, उसको अगर पेन हो रहा है तो ठीक है, डॉक्टर को दिखाएं। देखो ये आसान बोलना ठीक है, पक्का ठीक है ना? चेक तो भाई साहब पानी गिरा रहा है, देख लो आपके बर्तन ने पैर मारा जान के। तू नहीं तो बोला ठीक है, टेस्टिंग तो करूंगा ना। कस्टमर खड़े क्या? मर के खड़े हैं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। पापा बहुत बिजी हमारे, हाय हाय। पेमेंट लेने आया ना बाइक की। देखो भाई पापा तो बिजी हैं ग्राहकों के साथ, साधना का फोन है, सरसों का तेल लेते आना। पहले तो यहीं पड़ा होता था। हाँ यही होगा, ये मस्टर्ड ऑयल। हाँ ये यही है, यही ले ले। सुनो मेन बात, बाइक लेने जाना है, पेमेंट दे दो। पहले जाना है? कितनी दे दो? जितने दे दोगे वो सीधा आपने ट्रांसफर कर दूँ ना, ट्रांसफर अकाउंट में भेज दो। ठीक है ठीक है। बाइक हम ले रहे हैं हायाबुसा। अभी हायाबुसा बेची है? हायाबुसा मैंने अभी थोड़ी बेची है, जो सफेद वाली पीछे ऑफिस में खड़ी होती थी वो थी हायाबुसा। वो तो 3 साल पहले बेच दी थी। फिर अब नई वाली हायाबुसा आई है? नहीं आई है। अच्छा ऑरेंज कलर? अच्छा वो ले रहे हैं। जी टेक्निकली चेंज हो गया है? हाँ चेंज हो गया ना, थोड़ा बहुत पैसे भेज देना अकाउंट में। कह रहे कह दिया हो गया काम, सरसों का तेल लेकर जा रहे हैं हम। तेल चोएंगे ना बाइक के आगे। कपूर करेगा क्या? बस मैं कह रहा हूँ कपूर करेगा क्या, ये पूछ लो बस। घर पे तो पूजा करते ही नहीं कभी, नहीं करता। पैसे पकड़ूंगा दो सामने, जब आप बाइक पकड़ोगे ना तो बाइक निकालेंगे, मैं इस पे एक रखे फिर आगे। पक्का है? पक्का हाथ में रखेंगे बर्तन दोनों, साबुन भी चाहिए वो पीछे पड़ा। चलो जी ज़्यादा देर पापा के पास नहीं रुके क्योंकि कस्टमर ज़्यादा थे, पापा के पास बात करने का टाइम नहीं था, कुछ डिस्कशन करना था कर लिया, मम्मी से मिल लिए, दो चार काम और थे वो सारे के सारे निपटा लिए। अब वापसी निकल के हम लोग घर को गए, घर जाके पैकिंग करनी है, ये वाली वीडियो एडिट करनी है, कुछ सामान रह ना जाए क्योंकि अपने को वहाँ से बाइक चला के आनी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कल फाइनली हम अपनी नई बाइक की करने वाले अनबॉक्सिंग, और बहुत दिनों के बाद होने वाला ना राइड। राइड दो चीज़ें हैं, एक तो राइड मतलब बहुत टाइम बाद करने वाले हैं, और दूसरी चीज नई बाइक हम बहुत टाइम बाद खरीद रहे हैं। पहली जो मैंने नई बाइक खरीदी थी ना वो खरीदी थी जीएस से 1250, वो नई थी। उसके बाद जितनी भी आई 2019 के बाद 2024 में हम नई बाइक शोरूम से निकलवा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जितनी भी बाइक आई हमने लिमिटेड एडिशन खरीदी, H2 ले ली, R1 ले ली जो मार्केट में आती नहीं, CRF ले ली, हस्की ले ली, G1000 ले ली, ये सारी बाइकें नहीं आती नहीं है, इसलिए हमने पुरानी पुरानी ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन जमा करी। इस बार हम अपनी नई हायाबुसा शोरूम से लेकर आ रहे हैं, यहाँ से लग जाएंगे हम, मजा आएगा धूम मचा देंगे। क्या बात है, रात के 11:50 घूमते घूमते इतना टाइम कर दिया हमने। जब शेर जंगल में चलता है तो बंदर तो चिल्लाता ही है। मतलब तू इसको बंदर कह रहा है? मैं तेरे को बंदर कह रहा है? वो हर किसी को पता है वीडियो में शक्ल से बंदर कौन है और शेर कौन है, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं, पब्लिक सब जानती है। इससे चिल्लाया था क्या? पता नहीं, देखो शेर तो एकदम डरता है। ए नोनू मोनू कैसे हो? चलो साधना पूछ रही है, जोर से लगी थी, तगड़ी लगी थी तहास का, ये देख ले या तो पूछ ले हंस ले। हैं हंसी आई थी इसको गिरे हुए देख के, मजा आया था? कह रही हंसी थी, रुक रही थी मेरी। चलो भाई सही है, टाइम देख लो 12:05 हो रहे हैं, अभी पैकिंग वैकिंग करनी है, अपने को बहुत सारा काम है, करते हैं। हाँ चला जा पहले तेरे साथ खेल ले, पहले इसके साथ खेल लेते, बाकी काम बाद में करेंगे। चलो आ जाओ, ये
अब हम सूंघेंगे अच्छे से। आज किसी से नहीं मिल के आया। पूछ देखो, पूछ ऐसे ऐसे हिलती एंटीनी की तरह। लो भाई आगे हमारा बाला कलावा, इसका पानी पीने के लिए हाइड्रेशन बैग। ओ यार मेरा हाइड्रेशन बैग तो यहाँ टंगा हुआ है, इसका बैग देख के मेरे को याद आया। साधना इसका आधा हिस्सा कहाँ है? नहीं दोया तो है, रखा हुआ है ना। ओके जोड़ लेते ना, ये भी काम आया। गर्मी बहुत है भाई, इतनी गर्मी में राइड करने का मतलब पानी ही पानी। हालांकि मेरे को लग रहा है सुपर बाइक में ना मेरे कंधे ना दुखा दे, ये अगर दुखाएगा तो बाइक के पीछे बांध दूंगा। ये रहा इसका आधा हिस्सा, सही है। एक ये हो गया, बालकलावा हो गया, और एक चीज और याद आ रही थी ना अपने को। इंटरेस्टिंग बात बोलू? हाँ बता ना। इसके अंदर पानी का रखूंगा मैं? क्यों भाई, इसके अंदर तो है ही नहीं। पीने वाला जुगाड़ का है भाई वो। इसके अंदर पता क्या है, ठंडे पानी की बोतल रहेगा ना, वो ठंडी रहेगी। दिखा के। नहीं नहीं, अंदर दिखा। इसके अंदर तो गरम गरम चिकन के पकोड़े रख सकता है। वो तो भाई ये तो है हाइड्रेशन बैग ना, ये पानी पीने के लिए है, लेकिन पानी का वो क्या है। जहाँ से तूने मंगाया फोन करे एक बारी उनको, क्या सीन है। तू क्या कर रहा है नीचे? एक तो ये ना, ये देखो इसको देखो, है तो बेटा ही है ना, बेटा बाप के पीछे पीछे लग रहा था। ये देखो क्या हुआ तेरे को, हुआ क्या? घर में और भी तो बंदे हैं, ये देखना। तभी मेरे को ना बहुत प्यारा लगता है भाई। नोनू है, नोनू। आमिर क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। अरे इधर आना, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ मैं। हद धो गई, तेरा मैंने बैंड काटा था ना, ले मेरी तरफ से नया बैंड गिफ्ट। ठीक है थैंक यू। देखी शक्ल कैसे भाई, देख रहे आप इसे ऐसे बंदू का सामान दे रहे हो। थैंक यू ले लो बस। ये ऐसे बोल के ऐसा थैंक यू थोड़ी होता बोल के। ये कौन सा थैंक यू दिया भाई? सपोज आपने मेरे को कोई चीज दी, आपने मेरे को कोई टूटे फूटे का बहाना मत लगा। हाँ कोको डर जाता है भाई, साधना बिगड़ी डीवी आवाज। खुश है ना मैं भाई? आपने मेरे को कोई गिफ्ट दिया, मैं ऐसे लेके चला गया। हाँ ठीक है, आगे से बंदे को कुछ देने का मन भी ना करे। चलो ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं। कोको हाइड्रेशन बैग है, नई जीन्स है। अब तो तेरी पीठ सही है। आई अल्लाह की कसम लग रही है यार, मत मत यार। तो बाइक कैसे चलेगा? बाइक कैसे चलाएगा? मैं चेक कर रहा हूँ ना, चेक कर रहे थे तो। साधना फिर ये घर पे ही है, ठीक है ना, देख लियो इसको। मेरा भाई साधना, अमित भाई को खाना वाना दे देना, टाइम से इनको ना खाना वाना दे देना, ठीक है। चल भाई अच्छा लगा तेरे से मिलके, दुआ में याद रखियो। ए फोन करियो उसको जो हमारी टिकट बुक करते हैं, इसकी कैंसिल करा दे, दो कुछ हजार दो हजार तो आपकी आ जाए। ओए ओए बालक जी, आपका है सॉरी, मतलब उसका मत है। मेरा उधर ले जाता भाई साहब, दुश्मन है ये। आजा चल सोने की तैयारी करो, चलो ऊपर, चलो 1, 2 का 4 करो, चलो 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 सो जाओ, मेरे को भी टाइम लगेगा। जब तक मैं नहीं सोता ना, ये भाई साहब भी नहीं सोते हैं। और अभी क्या सीन हो रहा है ना, अपने पास 2 शर्टें भी लेके जाने के लिए, एक ये शर्ट है और एक इसके अंदर, एक इसके अंदर भी शर्ट है। हालांकि मैंने अपना सारा सामान तो ट्रक में भेज दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो ये 2 शर्टें भी मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कौन सी पहनूंगा, मौके पे देखूंगा कौन सी सही लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। हाँ एक पगड़ी भी है जो लेकर जानी है, बाकी ज़्यादा सामान नहीं है। लैपटॉप है, चार्जिंग केबल है, 2-3 गॉगल है, अटरम शटरम है, मतलब भारी सामान भेज दिया। हेलमेट भेज दिया, राइडिंग गेयर भेज दिए, राइडिंग शूज़ भेज दिए। बाकी डीके व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, एंड करेंगे तभी तो एडिट करेंगे, अभी डिनर भी करना है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलता है किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय बाय। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हम वहाँ पर अपनी हायाबूसा की डिलीवरी ले रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कहाँ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा। अगर और गुजरात से हो, सूरत से हो, तो मिलते हैं एक साथ। हाँ एक साथ मिलते हैं। और हाँ सबसे मेन चीज भाई, बूसा के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। 4 साल पहले मेरे पास बूसा थी वाइट कलर की, और वो मैंने 2014 या 2015 मॉडल खरीदी थी, 15 ही थी आई थिंक, और तब इतने पैसे भी नहीं होते थे। लेकर आए, उस पर मैंने अपने मंजिल गाने में भी डाली हुई है भूसा। अगर मंजिल सर्च करोगे ना, जट प्रभजोत मंजिल, उस गाने में मेरी भूसा नज़र आएगी। तो फिर दूसरी बाइक लेनी थी, 1250, पैसे थे नहीं, तो भूसा को बेचना पड़ा। बेचने का मन नहीं था, भूसा मतलब वन ऑफ माय फेवरेट बाइक में से एक है। फिर मैंने उस टाइम पे सोचा था कभी ना कभी भूसा नहीं खरीद के घर में लेकर आएंगे। मतलब ये मेरा 4-5 साल पुराना ड्रीम है, जो कि मैं अब पूरा कर रहा हूँ, कल पूरा हो जाएगा। अच्छा लग रहा है घर में नई बाइक लेकर आ रहे हैं, और 5 साल बाद नई बाइक लेकर आ रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है। आपको भी मज़ा आ रहा हो तो लाइक भी करना, जो नया बंदा देख रहा है सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट भी करना कुछ भी मन में आ रहा हो।
मिलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं बढ़िया वीडियो में, कल करेंगे अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।